हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। चलिए गाइस, आज हम लोग बात कर लेते हैं एसएससी जेई 2019 का फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर, यानी कि फाइनल रिजल्ट जब आएगा उसका कट ऑफ क्या हो सकता है, इसके ऊपर थोड़ा बहुत बात करेंगे। इस वीडियो का बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम इसलिए लिया। आपको भी पता होना चाहिए, यूट्यूब में बहुत रेयर ऐसे चैनल आपको मिलेगा जो एसएससी जेई फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। चाहे कोचिंग सेंटर कह लीजिए, चाहे यूट्यूबर कह लीजिए, कोई आपको इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। टायर वन का कट ऑफ के ऊपर हर कोई वीडियो बनाता है क्योंकि उसका आइडिया लग जाता है, लेकिन टायर टू में क्यों नहीं बनाता है आपको समझना पड़ेगा। देखिए, डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होता है उसमें न्यूमेरिकल एज वेल एज थियोरिटिकल पेपर दोनों होता है। अब न्यूमेरिकल में तो आइडिया लग जाता है कि चलो मेरा मार्क्स कितना आ सकता है, लेकिन थियोरिटिकल में किसी को कोई आइडिया नहीं होता है। अब मान लीजिए, जैसे अगर कोई कैंडिडेट 250 का अटेम्प्ट करके आया है, वो कैंडिडेट कभी भी दावे से नहीं कह पाएंगे कि भाई मेरा 200 मार्क्स पक्का आएगा। क्यों नहीं कह पाएंगे? क्योंकि भाई उनको आइडिया नहीं है कि थियोरिटिकल में कितना उनको मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूँ, 20 मार्क्स का अगर थियोरिटिकल क्वेश्चन होता है, उसमें 20 में से 20 कभी नहीं मिलेगा। या तो आपको मिलेगा 9, या तो मिलेगा 5, या तो मिलेगा 15, या तो 18। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, मतलब कुछ भी मिल सकता है आपको। वो डिपेंड करेगा आपने कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, मतलब कैसे आपने रिप्रेजेंट किया वहाँ पर, कैसे आपने लिख के आया, आपका हैंडराइटिंग कैसे है। वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर कितना सेटिस्फाइड है। एग्जामिनर अगर सेटिस्फाइड है, उनको लगता है कि आपने सही से पॉइंट को सही से ही पॉइंट आपने वहाँ पर डिलीवर किया, सही से लिख के आया है, तभी आपको जो है अच्छा मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आपको कम मार्क्स मिल सकता है। तो इसीलिए थ्योरी में कितना मार्क्स मिलेगा किसी को कोई आइडिया नहीं होता है, इसलिए पेपर को ठीक से कोई एनालिसिस नहीं कर पाता है। लेकिन मैंने पेपर को अच्छे से एनालिसिस किया है। 2018 में मैंने एनालिसिस किया था, तब भी 95-99% मेरा कट ऑफ सही गया है। उम्मीद करेंगे 2019 का भी कट ऑफ मेरा सही जाएगा, जो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा उसी के अकॉर्डिंग जाएगा। अब देखिए, अगर बात करूँ आपका, अभी तक देखिए जो वैकेंसी आया है वो टेंटेटिव वैकेंसी है 887 2019 एसएससी जेई के लिए। अब फाइनल वैकेंसी जो है, एसएससी हमेशा डीवी से पहले जारी करता है, यानी कि मेंस का रिजल्ट और डीवी के बीच में जो टाइम होता है उसी बीच में वो लोग जारी करते हैं। उम्मीद करेंगे कि इस बार भी वैकेंसी थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगा, जैसे हम लोग 2018 में 2016 में देखे थे, वैसे इस बार भी उम्मीद करेंगे कि थोड़ा बहुत अगर इंक्रीज हो जाएगा तो आपके लिए भी अच्छा होगा। तो अभी के लिए मैं तो फिलहाल के लिए इसी वैकेंसी को लेकर चल रहा हूँ, इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने डिपार्टमेंट वाइज पूरा कट ऑफ एनालिसिस यहाँ पर नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बीआरओ, जो कि मिनिमम आप एक डिपार्टमेंट जो आपको एक जॉब का अगर नीड है, मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए बीआरओ पोस्ट के लिए, मतलब एक सेफ जोन के लिए, वही मैं यहाँ पर बताऊँगा, कैटेगरी वाइज बताऊँगा। CPW की भी बात कर लूँगा कि भाई कितना CPW का कट ऑफ जा सकता है। अब बाकी बीच में जो डिपार्टमेंट है, सेंट्रल ऑर्डर कमीशन हो गया, आपका फरक का हो गया, NTR हो गया, हालांकि MES में तो अभी तक वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं है, जीरो वैकेंसी अभी तक अलॉट है, अगर उसमें भी वैकेंसी आ जाएगा तब भी अच्छा होगा, लेकिन अभी तक नहीं है तो वहाँ पर MES की बात हम लोग नहीं करेंगे। तो इसीलिए अभी के लिए बस BRO और CPW से काम चला लीजिए, जब मेंस का रिजल्ट जारी हो जाएगा, फाइनल आपका वैकेंसी जारी हो जाएगा, तब मैं पूरा 100% गारंटी देता हूँ डिपार्टमेंट वाइज, जैसे 2018 में मैंने वीडियो बनाया था, सेम चीज़ 2019 में भी बनाऊँगा। लेकिन अभी के लिए बस कोऑपरेट कीजिए, अभी BRO से आप लोग काम चला लीजिए, ताकि आप लोग पता चले कि सेफ जोन आपको कितना हो सकता है। तो चलिए एक एक करके बात कर लेता हूँ आपका कट ऑफ के ऊपर। यहाँ पर डाटा देख सकते हैं 2016 से मैंने कलेक्ट किया, आप लोग वीडियो को जो है पूरा देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि मैंने कैसे एनालिसिस किया, पेपर का पैटर्न कैसे होता है, सब कुछ मैंने कैसे कैसे समझा है, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पर टायर वन का कट ऑफ, और यहाँ पर देखिए कैटेगरी मेंशन है। टायर वन का जनरल की बात करूँ, 100 कट ऑफ गया था 2016 में, आप लोग देख सकते हैं। OBC में 92.50, SC में 84.50, ST में 85.50। अब यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ यानी कि मिनिमम जो सबसे जो कम कट ऑफ जाता है, मान लीजिए जैसे 2018 में BRO सबसे लोएस्ट पोस्ट था, अब BRO में कितना कट ऑफ गया था, 261 जनरल की कट ऑफ गया था, तो वही बात यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए कहिए, 2016 में तो BRO नहीं था, तो मैं मान रहा हूँ कि फरक्का का कट ऑफ गया था 238.25, एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ, हो सकता है दूसरा डिपार्टमेंट हो सकता है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ 238.25 कट ऑफ गया था जनरल का फाइनल कट ऑफ, जिनका भी मार्क्स 238.25 था उनका सिलेक्शन हो गया था जनरल में। अब देखिए 100 और ये फाइनल कट ऑफ के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस कहाँ से आ रहा है भाई,
मार्क्स इन टायर टू, यानी कि जो पेपर टू था उसमें कितना मार्क्स आया है बच्चों का, 138.25, जिनका भी मार्क्स आया था उनका सिलेक्शन हो गया था जनरल कैटेगरी में। अब यहाँ पर वैकेंसी भी देख सकते हैं, तब 635 वैकेंसी था जनरल की बात करूँ तो। अब ओबीसी की बात कर लेते हैं, ओबीसी देखिए 143.5, एसटी की बात करते हैं 120 जिसका भी था, और एसटी की देखिए 142.75। हमेशा एसटी की देखेंगे, टायर टू की अगर बात करें हमेशा देखेंगे जनरल की या तो कट ऑफ की बराबर रहता है नहीं तो उससे ज़्यादा रहता है। सिर्फ और सिर्फ पेपर टू की बात कर रहा हूँ, टोटल नहीं, फाइनल कट ऑफ हमेशा कम रहेगा लेकिन आपका पेपर टू में ज़्यादा रहता है आपका जनरल से, क्योंकि उसका वैकेंसी भी कम आता है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पैटर्न न्यूमेरिकल लिखा है। अब क्वेश्चन पैटर्न न्यूमेरिकल लिखने का मतलब क्या है, देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितना ज़्यादा होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए कहा था कि अगर 20 मार्क्स का अगर क्वेश्चन होता है तो 20 में से 20 थ्योरी में कभी नहीं मिलता है, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर 20 मार्क्स का होगा तो भाई अगर आपका एक्यूरेसी 100% होता है, 95 to 100% अगर एक्यूरेसी होता है तो 18 से लेकर 20 मार्क्स आपको 20 में से 20 जरूर मिलेगा, मिनिमम 18 मैक्सिमम 20 मिलेगा आपको 20 में से 20। तो न्यूमेरिकल जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करके आएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, उतना ही आसानी हो जाएगा आपको मार्क्स गेन करने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 215 out of 360 क्यों लिखा, आपका पेपर तो 300 का होता है, लेकिन अब मुझे तो नहीं पता कि आपने मतलब 2016 में बच्चे ने कौन से क्वेश्चन को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया था, इसीलिए मैंने 360 लेके चलूँगा कि भाई 360 में से 215 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन था 2016 में। तो अगर 215 था तो मान के चलिए 300 में से अगर मैं 300 जो 60 अगर माइनस कर रहा हूँ तो भाई मान के चल रहा हूँ 30 आपका थ्योरी था और 30 आपका न्यूमेरिकल था, ये जो 60 है 60 में से, तो अगर यहाँ पर माइनस कर देता हूँ 30 तो भाई कितना हो रहा है, लगभग 185 हो रहा है। तो 185 मार्क्स का अपन न्यूमेरिकल था 2016 की बात कर रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए अगर 185 कोई न्यूमेरिकल करके आया है 2016 में तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा 170 या 165 to 185 इसमें से कुछ भी मार्क्स मिल सकता है, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मान लीजिए वही अगर आप 100 मार्क्स का थ्योरी करके आएंगे तो भाई आपको 50 भी मिल सकता है, 60 भी मिल सकता है, 70 भी मिल सकता है, 80 भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, कोई आइडिया नहीं किसी को। तो यहाँ पर ही फ़ायदा हो जाता है अगर न्यूमेरिकल ज़्यादा होता है तो। अब चलिए 2017 की बात कर लेते हैं, हालांकि यहाँ पर मैं बात नहीं करना चाहता था क्योंकि वैकेंसी बहुत कम था, लेकिन ये भी आपको जानना जरूरी है कि ज़्यादा वैकेंसी अगर डिक्रीज हो जाता है तो भाई कितना डिफरेंस हो जाता है कट ऑफ में। देखिए जनरल का कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं, टायर वन का 117 गया था, अब जैसे फाइनल कट ऑफ जो मिनिमम पोस्ट के लिए 289.75 यानी कि 290 मान के चलिए, अब देखिए टायर टू में कितना उनको लाना था 172.75, क्योंकि वैकेंसी कम था इसीलिए कट ऑफ भी ज़्यादा गया था। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें बाकी का तो बाकी का भी देख सकते हैं 172.75 आपका ओबीसी, 161 गया था एससी, और एसटी का गया था 174, जैसे कि मैंने बात किया था कि भाई हमेशा एसटी का कट ऑफ जो है टायर टू में ज़्यादा जाता है, तो देखिए यहाँ पर भी ज़्यादा गया है। अब पेपर देखिए 250 out of 360, भाई 250 मार्क्स आपका न्यूमेरिकल था, अगर जैसे सेम करेंगे अगर 30 मार्क्स में मान के चल रहा हूँ कि थ्योरी था तो भाई आपका लगभग 220 out of 300 आपका न्यूमेरिकल था। तो आप समझ सकते हैं अगर 220 मार्क्स का अगर न्यूमेरिकल था तो आपके लिए पेपर कितना इजी हो जाता है, मार्क्स कितना गेन करना इजी हो जाता है। भले मैं मान रहा हूँ न्यूमेरिकल में थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा तो आप इजीली 220 में से 180-200 आप इजीली आप जो है वहाँ पर लिख के आ पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए देखिए मार्क्स जो 172 अगर मान लीजिए कि 150 मार्क्स का अगर न्यूमेरिकल होता और 150 मार्क्स अगर थ्योरी होता तब ये 100 जो आया है 170 जो भी कट ऑफ गया था ये भी लाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि थ्योरी में आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं 2018 की। 2018 में हम लोग अगर बात करें जनरल में कट ऑफ गया था 172.40, 261 एक बीआरओ का कट ऑफ गया था, बीआरओ का कट ऑफ एक गया था। अब देखिए जिनका भी 133.60 मार्क्स पेपर टू में था उनका सिलेक्शन बीआरओ में हो गया है। अब वैकेंसी भी देखिए जनरल का वैकेंसी देखिए 832 वैकेंसी टोटल वैकेंसी जनरल में था,
रही बात 2019 का 887 टोटल वैकेंसी है सभी कैटेगरी को मिला के, तो यहाँ पर से पता चल रहा है कितना वैकेंसी इस बार कम है। लगभग आपका देखिए जनरल का 2018 में जितना वैकेंसी था अब टोटल वैकेंसी 2019 में उतना है, तो आप समझ सकते हैं वैकेंसी कितना डिक्रीज हो चुका है। तो इस टाइम अगर बात करें देखिए ओबीसी का 124 गया है, 118 गया है एससी का, और 135.82 जिनका भी आया था यहाँ पर भी देखिए एसटी का कट ऑफ देखिए ज़्यादा गया था पेपर टू की बात करें, हालांकि फाइनल कट ऑफ हमेशा कम जाता है जनरल से लेकिन पेपर टू में हमेशा ज़्यादा जाता है। अब बात करते हैं देखिए पेपर कैसा था 2018 में, पेपर 2017-18 के उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन भी सेम टू सेम, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो सेम टू सेम उठा के दे दिए थे। तो यहाँ पर देखिए पैटर्न भी सेम था, क्वेश्चन भी सेम था, 245 आपका आउट ऑफ 360, तो इतना मार्क्स का न्यूमेरिकल था। यहाँ पर भी अगर 30 को हम लोग अगर माइनस कर देते हैं, मान के चल रहा हूँ 30 मार्क्स थियोरिटिकल और 30 मार्क्स आपका न्यूमेरिकल था, जो 60 मार्क्स यहाँ पर मैंने लिया है, तो आपका लगभग 215 के आसपास आउट ऑफ 300 ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन था 2018 में। इसीलिए देखिए एक तो पेपर आपका इजी था, वैकेंसी बहुत ज़्यादा था, तब भी आपका देखिए जितना कम जाना चाहिए था इससे भी कम कट ऑफ जाना चाहिए था, लेकिन 133.60 जिनका भी आया था उनको सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि मार्क्स भी बच्चे को ज़्यादा आ रहा था। अब बीआरओ में कट ऑफ भी कम जाता है, उसका भी रीजन अलग है, मैं आगे बताता हूँ। अब चलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की ऊपर बात कर लेते हैं, जिसका इंतजार आप सबको था, ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए इस बार टायर वन में जनरल का कट ऑफ गया है 123.52। अब मेरा मानना है मैंने पेपर को अच्छे से एनालिसिस किया, अगर आप लोग चाहते हैं कि पेपर को मैं फिर से एक बार आपको दिखाऊं, क्योंकि जब मैंने पेपर को एनालिसिस किया था आप लोगों को पेपर के बारे में बताया था, तब मेरे पास सब कुछ क्वेश्चन अवेलेबल नहीं था। अभी जो है लगभग 300 का क्वेश्चन मुझे मेरे पास मिल चुका है, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बच्चों की तरफ से मुझे मिला है, तो उसके लिए अगर आपका डिमांड आता है तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको समझा दूंगा। और रही बात इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले बच्चों का, देखिए यहाँ पर मैं सिविल की बात करूँगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का अगर ज़्यादा डिमांड आता है तो मैं पेपर एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं एक खुद सिविल इंजीनियर हूँ और सिविल से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए सिविल के बारे में मुझे पता होता है और कट ऑफ भी इसलिए उसका हर बार सही जाता है। तो आप लोग अगर डिमांड करते हैं तभी मैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए थोड़ा बहुत सोचने की कोशिश करूँगा। अब चलिए मेरा मानना है जिनका भी 145 टू 150 आएगा टायर टू में, तो टोटल देखिए 262-275 जिनका मार्क्स आएगा बीआरओ का कट ऑफ यही जाएगा। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए पेपर को जैसे मैंने बोला मैंने अच्छे से रीड किया, 300 का क्वेश्चन पेपर मुझे मिल चुका है, अगर किसी ने 300 भी अटेम्प्ट करके आया है तब भी उसको 210 से लेके 230 इतना मार्क्स मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, पेपर को मैंने अच्छे से रीड किया। देखिए इस बार जहाँ तक मुझे दिखाई दिया 172-180 आपका न्यूमेरिकल है और बाकी रिमेनिंग जो है आपका थियोरिटिकल क्वेश्चन है। जितना आप लोग सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा, मैंने भी सोचा था कि भाई 50% आपका थ्योरी था और 50% न्यूमेरिकल था, तो ऐसा नहीं, लगभग आप 60-40 मान के चलिए 60% आपका जो है न्यूमेरिकल था और आपका 40% थियोरिटिकल क्वेश्चन था। आप इससे कंपेयर कर सकते हैं 2016 से, 2016 में भी देखिए 215 का आउट ऑफ 360 यहाँ पर देख सकते हैं पेपर था, न्यूमेरिकल था 215, अगर हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे तो जैसे मैंने बोला 185 का न्यूमेरिकल था, और इस बार भी देखिए 180 के आसपास न्यूमेरिकल था। तो हम लोग अगर बात करें तो 2016 से बिल्कुल सिमिलर पेपर था, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेगा, जैसे एक क्वेश्चन आपको था SFD BMD का जो क्वेश्चन था, यहाँ पर बच्चों को अभी भी डाउट है, हालांकि मुझे देखिए पूरा क्वेश्चन तो पता नहीं एक्चुअल क्या वहाँ पर पूछा था, लेकिन SFD BMD में कुछ भी पूछे आपको SFD BMD बना के आना था, भले ही वो लोग इक्वेशन पूछे, भले ही वो लोग आपको कुछ फॉर्मूला के लिए पूछे, लेकिन वहाँ पर अगर इक्वेशन के लिए भी पूछा था तब भी आपको जो है वहाँ पर SFD BMD ड्राइंग बना के आना था, क्योंकि भाई 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आपने डायग्राम बना के आया है तो आपको 25 टू 30 मिल ही जाएगा, अगर पूरा 100% सही है तो,
और जिन्होंने नहीं बनाया है तो भाई 15 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, आप लोग यही उम्मीद रखिए, उससे ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, 10 से 15 आपको मिल जाएगा, उससे ज़्यादा मिलना मुश्किल है अगर आपने SFD BMD डायग्राम नहीं बनाया है। और जिन्होंने डिटेल्स में सब कुछ बनाया है, डिटेल्स में इक्वेशन वगैरह लिखा है, तो उनको 25 to 30 मिल ही जाएगा। और एक क्वेश्चन में जो डाउट लग रहा था बच्चों का, जो आई सेक्शन था, यहाँ पर भी बच्चे ने गलती किया, सिमेट्री और आपका अनसिमेट्रिक करके जो है उन्होंने थोड़ा बहुत गलती कर दिया, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसे ही कुछ आपका मुझे क्वारीज आया था। तो यहाँ पर भी जिन्होंने सही से बनाया उनको 25 to 30 मिल ही जाएगा, जिन्होंने नहीं बनाया है अगर प्रोसेस सही है, बहुत सारे स्टूडेंट का लास्ट में जाकर गलत हुआ है तो उनका मान के चलिए 10 या 5 मार्क्स उनका डिडक्ट हो जाएगा, मतलब 20 मार्क्स वो लोग मान के चलिए। और जिन्होंने जो है पूरा प्रोसेस ही गलत है तो उनका तो भाई मान सकते हैं कि जो मिलेगा वो आपका एक एग्जामिनर आपके ऊपर कृपा करके आपको दे देंगे कि भाई चलो आपको दे रहा हूँ 10 मार्क्स या 15 मार्क्स जो भी देंगे वो कृपा होगा आपके ऊपर। और एक क्वेश्चन था 30 मार्क्स का जो आई सेक्शन से आपका इंक्लूड था, आपको वर्कबिलिटी से शायद एक क्वेश्चन था जहाँ तक मुझे याद है 30 मार्क्स का था। तो इसमें भी अगर आपने बुक जैसे जैसे बुक में जैसे आंसर होता है वैसे ही आपने अगर आपने लिख के आया है तभी आपको 15 से लेकर 20 मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलना मुश्किल है भाई। 30 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चे अगर अच्छे से लिखेंगे तब भी एक तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, ऊपर से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि हर एक डाटा आप लोग वहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, उतना याद नहीं होता है। तो आप लोग मान के चलिए मुझे लग रहा है ऑन एन एवरेज 10 से 15 सबको मिलेगा, ऑन एन एवरेज जो भी सही से लिख के आया है ढंग से लिख के आया है 10 से 15 इतना ही सबको मिलेगा यहाँ पर भी। और एक क्वेश्चन था जो सॉइल का क्वेश्चन था, 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, एक शायद आपका जो आपको पूछा था इंडेक्स जो आपका आईडी इंडेक्स होता है, तो इंडेक्स पूछा था, वो इंडेक्स आपका रिलेटिविटी इंडेक्स जो होता है, तो ये निकालने के लिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो यहाँ पर सभी को 20 मार्क्स मिल जाएगा। सेकेंड चीज़ जो है आपको देखिए बाकी जो भी क्वेश्चन पैटर्न है मैं आगे आपको डिस्कस करूँगा, यहाँ पर मैं डिस्कस करने जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन थियोरिटिकल क्वेश्चन जो भी था बहुत आपका जो कॉमनली नॉर्मली जो पूछा नहीं जाता है वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया गया था। जैसे आपका मान लेता हूँ इस बार कोई उम्मीद नहीं था कि आपका इन्वर्टल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन्वर्टल से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, सेम चीज़ उन्होंने पूछ लिया आपका एस्टिमेशन से, तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो बहुत ईजी था, जो 1-2 लाइन में भी आपका आंसर आ रहा था। न्यूमेरिकल की बात करूँ जो सर्विंग का एक क्वेश्चन था 2 लाइन में आपका आंसर आ रहा था, तो देखिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन था बहुत ईजी था, थियोरेटिकल का थोड़ा सा मैं ट्रिकी मान के चलूँगा, तो इसीलिए ऑन एन एवरेज 2016 जैसे पेपर था। अब जिन्होंने 250 मार्क्स अटेम्प्ट करके आया है उनका भी मैं कह देता हूँ 180 से लेकर 200 इतना ही आएगा, उससे ज़्यादा मिलना मुश्किल है उनका भी। अब चलिए OBC की बात करता हूँ, जिनका भी 140 से लेकर 145 मार्क्स आ रहा है उनका सिलेक्शन BRO में 100% हो जाएगा अगर OBC में इतना मार्क्स है। अब मान लीजिए देखिए अगर इससे कम आ रहा है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मान लीजिए आपका यहाँ पर जो टायर 1 में मार्क्स है 125 है और अगर आपको यहाँ पर 130 आ रहा है तब भी तो भाई 25 हो रहा है ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर टायर 1 में अगर ज़्यादा मार्क्स आपका आता है तो टायर 2 में आपके लिए ईजी बन जाता है, कम मार्क्स आएगा तब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन वही बात मैं कह रहा हूँ कि आपका टायर 1 में भी इस बार मार्क्स बहुत कम आया है, जहाँ तक मुझे पता है लगभग 140 के आसपास मैक्सिमम मार्क्स जो बच्चे का आया है इतना ही आ रहा है, बाकी सबका आपका मान के चलिए 130, 135, 132 इसी के आसपास सबका मार्क्स, जनरल की बात कर रहा हूँ, इतना ही मार्क्स सबका आ रहा था। उसके बाद अगर EWS की बात कर रहा हूँ भाई 255 to 265 जिसका भी आ रहा है यहाँ पर भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। SC का बात करूँ 230 to 235 और ST की बात करूँ 250 से लेके 255। अब देखिए मेरा कहने का जो मतलब था जनरल में 270 के आसपास कट ऑफ रहेगा, क्यों रहेगा देखिए आप लोग सोच सकते हैं या बोल सकते हैं कि भाई मैं कट ऑफ या तो बहुत कम बता रहा हूँ, देखिए आप लोग जितना सोच रहे थे उतना मार्क्स आएगा नहीं, भले ही आपका थियोरेटिकल पेपर था या न्यूमेरिकल पेपर जो भी था, पेपर ईजी था, ट्रिकी क्वेश्चन था, सब कुछ मैं मान रहा हूँ, लेकिन मार्क्स बच्चों का इतना आएगा 150 के आसपास सबका, आप लोग देखना 140 से लेके 160 सबका एवरेज मार्क्स आएगा, इतना ही मार्क्स सबका एवरेज आएगा। अब जो अच्छे थोड़ा बहुत लिख के आएंगे उनका 180, 190 मार्क्स आएगा, अदरवाइज सबका इतना ही मार्क्स आएगा।
अब बीआरओ में एक तो गर्ल्स कैंडिडेट अलाउड नहीं है, अब गर्ल्स कैंडिडेट अलाउड नहीं है तो भाई उनका मार्क्स अगर 150 भी आ रहा है तब भी उनको बीआरओ नहीं मिलेगा। अगर उनका जनरल में 123 यही मार्क्स है तब, अगर मान लीजिए डिप्लोमा वाले कैंडिडेट है आप, तब भी आप बीआरओ के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी तो भाई थोड़ा बहुत कट ऑफ में फ़र्क आएगा ना, मतलब कुछ कैंडिडेट तो यहाँ से आपको बाहर चले जाएंगे, कुछ कंपटीशन तो यहाँ से आपका डिक्रीज हो जाएगा और कुछ कैंडिडेट डिक्रीज होगा। जैसे मैं पर्सनली कुछ कैंडिडेट को जानता हूँ जो 2018 में सिलेक्टेड बीआरओ में है, लगभग आप मान के चलिए बीआरओ में 800 वैकेंसी था, तो लगभग मान के चलिए 200 प्लस स्टूडेंट ऐसे होंगे या 200 के आसपास स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 2018 में सिलेक्टेड है। 2019 में भी उन्होंने मेंस दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि बीआरओ सभी जानते हैं बीआरओ जो है थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। तो वो लोग सोच रहे हैं कि बीआरओ से अगर बेटर डिपार्टमेंट 2019 में मिल जाता है तो हम लोग जाएंगे, तो वो लोग तो भाई बीआरओ फिर से फिल नहीं करेंगे, क्योंकि क्यों एक साल जो है वो लोग नुकसान करेंगे, उसका ही नुकसान है ना कि फिर से बीआरओ लेंगे, तो वो लोग बीआरओ फिर से फिल नहीं करेंगे। इस बार यूपी असिस्टेंट इंजीनियर हो गया, आपका बिहार असिस्टेंट इंजीनियर हो गया, बहुत सारे आपका असिस्टेंट इंजीनियर में भी सिलेक्शन हुआ है, चाहे कोल इंडिया कह लीजिए तो चाहे आईएएस कह लीजिए, सब में बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है। अब वो लोग तो बीआरओ के लिए नहीं जाएंगे, या तो वो लोग सेंटर सीपीडब्ल्यू वगैरह ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज वो लोग बीआरओ ज्वाइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी आपका थोड़ा बहुत कट ऑफ में फ़र्क आएगा। तो मेरा मानना है कट ऑफ यही जाएगा 270, आपका जनरल का मान के चलिए आपका 270 कट ऑफ जाएगा। ओबीसी की बात करें 255 भी आप मान के चलिए यही कट ऑफ जाएगा। ईडब्ल्यूएस का भी देख लेना 260 के आसपास कट ऑफ जाएगा। तो कट ऑफ मैंने जो बताया है आप बीआरओ का 99% यही कट ऑफ जाएगा, अगर वैकेंसी जहाँ तक अभी है वही वैकेंसी रहा तो। अगर वैकेंसी थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तब जैसे मैंने बोला एक अलग वीडियो आएगा उसमें सारा डिस्कस करूँगा। अब चलिए बात कर लेते हैं सीपीडब्ल्यू की। सीपीडब्ल्यू की अगर बात करूँ जनरल में, अगर बात करता हूँ भाई 310 से लेके 315 इतना ही कट ऑफ जाएगा, जनरल की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। जो लोग सोच रहे हैं 320 330 भाई उतना कट ऑफ नहीं जाएगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। अगर जे ओबीसी की बात करूँ 295 टू 300 मान के चलिए, उसके बाद अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करूँ 305 आप लोग मान के चलिए, अगर एससी की बात करूँ एससी का आप मान के चलिए 285 टू 290, और सॉरी आपका एसटी की बात कर रहा हूँ, और एससी की अगर बात करूँ आपका 275 280 ऐसा ही कट ऑफ आपका सीपीडब्ल्यू का इस बार जाएगा, और बीआरओ का कट ऑफ मैंने ऑलरेडी आपको शो कर चुका हूँ। अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि वो भी जानना ज़रूरी है। देखिए पहले तो एक डाटा आपको दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पर मैंने एक पोलिंग किया था, देख सकते हैं लगभग 700 स्टूडेंट ने यहाँ पर जो है पोलिंग को अटेंड किया था, और देखिए 51% स्टूडेंट यानी कि लगभग 350 मान के चलिए जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 240 प्लस यानी कि 250 के आसपास उन्होंने मेंस में अटेम्प्ट करके आया था, यहाँ पर देख सकते हैं 2019 मेंस में अटेम्प्ट करके आया था, सिविल की बात मैंने यहाँ पर पूछा था। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है जितना आप लोग सोच रहे थे उतना नहीं। हाँ हो सकता है कि चलो आपका 4,500 स्टूडेंट ने अगर पेपर को लिखा है तो 4,500 स्टूडेंट में से आपका लगभग मान के चलिए 1,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने मान के चलिए 250 प्लस अटेम्प्ट करके आए हैं, लेकिन उन 250 में से 250 आएगा, 200 आएगा, 180 आएगा, कोई गारंटी नहीं है। पिछले ईयर मैं कुछ कैंडिडेट को जानता हूँ जिन्होंने 270 280 भी अटेम्प्ट करके आया था, 2018 की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब रिजल्ट आया उनका 88 या 90 मार्क्स भी नहीं आया था। तो आप समझ सकते हैं एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको यहाँ पर नर्वस फील करने के लिए या डिमोटिव नहीं कर रहा हूँ, आपका आपने अगर 250 अटेम्प्ट करके आया है एक्यूरेसी सही है तो भाई 200 180 मिल ही जाएगा, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ अगर आपने टेस्ट सीरीज वगैरह अटेम्प्ट नहीं किया है, अगर आपको लिखने का तरीका पता नहीं है, आप अगर कभी मेंस अपने चाहे आईएएस हो गया चाहे दूसरे स्टेट जेई हो गया एई हो गया, अगर आपने मेंस अटेम्प्ट नहीं किया है, अगर आपको आइडिया नहीं है कैसे लिखना होता है कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, तब आपके लिए दिक्कत हो सकता है। अब चलिए बात कर लेता हूँ रिजल्ट की कि कब आ सकता है। देखिए 2017 में देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टायर टू का रिजल्ट का डेट था, देखिए 22 जून 2018। अब पेपर कब हुआ था, पेपर यहाँ पर देख सकते हैं 29 अप्रैल 2018, यानी कि अगर अप्रैल से काउंट करेंगे तो भाई विद इन 55 डेज आपका रिजल्ट आ गया था। अब तब कितना स्टूडेंट को बुलाया गया था चलिए देखते हैं,
तब बुलाया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये टायर वन का रिजल्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं टायर वन का रिजल्ट तब बुलाया गया था आपका, सिविल में 4433 और आपका 1422 आपका इलेक्ट्रिकल में निकला। टोटल करेंगे तो लगभग 5855 आपका टोटल हो रहा है। इस बार भी लगभग इतना ही बुलाया गया है, 5600 प्लस स्टूडेंट को बुलाया गया है। तो सिमिलर टू 2017 आप मान सकते हैं कि भाई 2017 में जितना बुलाया गया था 2018 में भी उतना ही कैंडिडेट को मेंस के लिए बुलाया गया था। हालांकि पेपर को अटेम्प्ट किया है उसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो देख लेना कि 2019 में कितना कैंडिडेट ने पेपर को अटेम्प्ट किया है, उसका लिंक मैं दे दूंगा। आपका 4734 स्टूडेंट ने पेपर को लिखा है 2019 में, आपका सिविल की बात कर रहा हूँ, सॉरी आपको दोनों मिला के, सिविल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को मिला के। अब देखिए चलिए 2016 की बात कर लेता हूँ, सॉरी आपका 2019 में भी इतना स्टूडेंट को बुलाया गया है जैसे मैंने आपको बोला। अब चलिए 2016 की बात कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। 2016 में देख सकते हैं पेपर टू का रिजल्ट आया था 15 दिसंबर और पेपर कब हुआ था, पेपर हुआ था आपका देख सकते हैं 30 जुलाई को, यानी कि अगस्त मान सकते हैं। तो आपका रिजल्ट आया है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, चार महीने बाद। लेकिन तब कितना स्टूडेंट था देखिए, तब आपका कितना स्टूडेंट को बुलाया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग 6000 सिविल में बुलाया गया था यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देख सकते हैं 2500 के आसपास जो है आपका इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का, मतलब मान के चलिए 8500 के आसपास स्टूडेंट को बुलाया गया था 2016 में। 2018 में भी सेम चीज़ हुआ था, लगभग 10000 प्लस स्टूडेंट को बुलाया गया था। तो अब टाइम कितना लगा था 2018 में देखिए, हालांकि कोविड चला था इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया था, लेकिन आपका उन्होंने टाइम दिया था दिसंबर 29, 2019 को पेपर हुआ था, उन्होंने रिजल्ट के लिए टाइम दिया था मेंस के रिजल्ट के लिए 9 अप्रैल 2020, यानी कि चार महीने टाइम उन्होंने लिया था। तो यहाँ पर भी लगभग चार महीने टाइम लगा था। तो आप लोग मान के चलिए कि आप लोगों का रिजल्ट 55 डेज में तो नहीं आएगा, हालांकि 2017 में जैसे आया था कम स्टूडेंट को बुलाया गया था, इस बार भी कम स्टूडेंट बुलाया गया था, तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि भाई जल्दी आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा, अभी सब कुछ स्लो चल रहा है, ऑफिस में ओनली 50% स्टाफ अलाउड है गवर्नमेंट की तरफ से। अब जो 50% स्टाफ है वो भी ढंग से नहीं आ रहे हैं ऑफिस, तो आप समझ सकते हैं प्रोसेस जो काम एक दिन में होना चाहिए था वो एक हफ्ते में हो रहा है, प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है और उनके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। एक तो 2020 का भी रिजल्ट देना पड़ेगा एसएससी जेई का, आपका सीएचएसएल का रिजल्ट देना पड़ेगा, स्टेनोग्राफर का रिजल्ट देना पड़ेगा, बहुत सारे उसके पास काम है। तो मेरा मानना है जून और जुलाई इस बीच में आपका रिजल्ट आएगा, उससे पहले मुश्किल लग रहा है। अगर मैं इतना मिनिमम लगेगा, अब मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, अगस्त सितंबर में हो सकता है। मान लीजिए कि अगर कोविड, मैं तो नहीं चाहूँगा, दुआ करूँगा कि भाई कोविड का हालत जल्दी से ठीक हो जाए, अगर इससे वॉरेस्ट कंडीशन होता है तब आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम जून लास्ट से लेकर जुलाई तक आपको वेट करना पड़ेगा। इससे पहले आप लोग कोई उम्मीद मत रखिए कि आपका रिजल्ट इससे पहले आने का कोई चांसेस है। तो चलिए, उम्मीद है कि कट ऑफ वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एसएससी रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। देखिए आगे का जो भी प्रोसेस होगा, चाहे मेडिकल के रिलेटेड हो चाहे ज्वाइनिंग का रिलेटेड हो, मैं ही आपको अपडेट दूंगा, तो मेरे साथ आप लोग जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जुड़ जाना ताकि आपको आगे की प्रोसेस भी पता चले।